मोटर ये बिल्कुल बेकार हो गया है। ये रात को ही आया है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। स्पेशल संडे ब्लॉग है। और आज अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, बहुत बिखरा पड़ा हुआ है मेरे पीछे। वो इग्नोर करो क्योंकि अभी काम स्टार्ट नहीं किया है। मैं अब करूँगी, लेकिन अभी फिलहाल चाय के लिए बैठे, मतलब चाय पीना है। आज चाय मैंने नहीं बनाई है। आज चाय मोनू आ रहा है। आज चाय मैंने नहीं बनाई है, आज लाली ने चाय बनाई है। तो मतलब बहुत दिनों के बाद बनाई है चाय, लेकिन बनाई है। बीच बीच में बनाती है, ऐसे कुछ नहीं है, बना के पिलाती है। और कुछ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा भी खाना बना के खिलाती भी है। तो आज का सुबह से मेंटेनेंस शुरू हो गया है हमारे घर में। मतलब आज संडे है तो मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो सब चल रहा है। ये भी आज अभी तक है घर में, और तो अभी पता नहीं है कब तक रहेंगे। अभी थोड़ी देर बाद चली भी जा सकते हैं, कब पता नहीं है। तो इसलिए पहले चाय पी लेते। अच्छी चाय आ गया है। संडे को बहुत बारिश था, बहुत ज़्यादा बारिश था आज संडे। तो आज का मौसम देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। मिर्ची का पौधा देखो अभी काफ़ी बड़ा हो गया ना, अभी लगने वाला है। ये इसमें लगेगा और आ जाएगा कल ही थोड़ा दिन बाद। ये देखो कितना बड़ा हो गया, सब ये एलोवेरा का शिफ्टिंग कर दिया। यहाँ पर एलोवेरा का टब ले आई हूँ। ये मनी प्लांट का भी कटने का टाइम आ गया है, वो कट के दूसरा उसमें ट्रांसफ़र करना है। तो करूँगी, टाइम नहीं मिल रहा है, कर लूँगी। हाँ, पाइन एप्पल देखो, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको भी ट्रांसफ़र करना है। कुछ दिन पढ़ने के लिए ये बनाया, मोटर लाए थे, फ्रोजन मोटर। ये बिल्कुल बेकार हो गया है, मतलब बेकार निकला है, एकदम ख़राब है मोटर। हमने उस दिन सब्जी बनाई थी, देखो ये बिल्कुल बेकार है, मतलब खट्टा खट्टा सा लग। सब्जी बनाने के बाद पूरा सब्जी खराब हो गया था, मुझे सब्जी को फेंकना पड़ा। मटर बिल्कुल खराब है, खट्टा खट्टा सा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। और अभी इसको जाके वापस करके आएंगे, क्योंकि वो इतना पैसा से लाए हैं, और उसको बार बार बोल रहे थे ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ने बोला, उसने बोला है, बोले ठीक है अच्छा है ले जाओ, लेकिन वो उसकी बातों में विश्वास करके लाए। तो उसको अब दिखाना ज़रूरी है ना आईना, तो इसलिए मैं बोले उसको जाके वापस कर गया। वापस करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसको तो पता चल जाएगा, ऐसा गंदा वाला चीज़ सामान नहीं देना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। बस डेट ओवर, नाश्ते का टाइम हो गया है, तो अभी नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में अभी क्या बनाती हूँ, चलो दिखाती हूँ आपको क्या मैं बना रही हूँ। गाइस, ब्रेकफास्ट में मैंने ये स्टिकी राइस, मतलब बिरयानी चावल, और ये आलू और बीन्स फ्राई किया है। और गाइस अभी बाजार से चिकन भी ले आए हैं, तो आज मज़ेदार एक चिकन रेसिपी बनाने वाली हूँ लंच में। तो अभी घर का काम निपटा लेती हूँ, बहुत सारे काम है। यहाँ पर मनु बैठ के अपना होमवर्क करिए, मतलब स्कूल का ड्राइंग और कुछ कुछ, मतलब अपना काम निपटा रहे। सोमवार को तो जाना ही है स्कूल में, तो इसलिए आप तो स्कूल का तैयारी चल रहा है जोरदार से। और यहाँ पर मैंने कपड़ा रखा हुआ है, स्कूल का ड्रेस, तो भिगो के रख दिया है। और अभी ये पापा ये बाजार गए थे, तो यहाँ से मतलब बाजार वो आप कहीं कुछ बाजार नहीं गए थे, सामने ही दुकान से ये टमाटर प्याज और ये कपड़ा भिगो के रखा बाथरूम में, कम से कम डेढ़ बाल्टी हो गया, तो उसको रखूँ ये किया है धोंगी। और सर दिखाई दिया सुबह, वो मटर लेके गए हैं क्योंकि उसको वापस करना था, उसको रियलाइज़ कराना था। ज़रूरी है ऐसा, यार ऐसा कभी करता है कोई ऐसे धोखेदारी, तो उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, और नहीं तो ये बार बार ऐसे ही करते रहेंगे, सबके साथ ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए गए हैं। जो मैंने चिकन को साफ़ करके और धो के रख दिया, और यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही चिकन बनाने का। तो पहले मैंने ये बाउल में मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और अभी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब अच्छी तरह से मिला लूँगी एक साथ में, और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिला के रख दूँगी। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है एक ये में रेसिपी में। तो
तो इसमें मैं काजू और लाल मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरा मिर्च ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया और इसके बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और इस तरह से मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो इसमें पहले मैंने तेल डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड, और मैं तो अगर घी डालना डाल सकते, बटर डालना डाल सकते, लेकिन मैं रिफाइंड डाला। तो इसमें और ये थोड़ा सा एक बड़ा इलायची और लौंग और छोटी इलायची तेजपत्ता डाल के और थोड़ी देर पकाया, और इसके बाद चावल और ये जीरा थोड़ा सा मैं ऊपर से डाला और थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा देर मिलाने के बाद पकाने के बाद तो उसमें परिमाण हिसाब से मतलब पानी डाल दिए और अभी बंद करके रख दिया कुकर में। तो इस तरफ से मैंने टमाटर भी पेस्ट कर लिया है। और इस तरह अभी आ गई है मैं चिकन बनाने के लिए। तो चिकन में कढ़ाई गरम करके तेल डाल दिया, उसमें गुटा मसाला डाल दिया है और तेजपत्ता प्याज डाल के थोड़ी देर और पका लेना है इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाला और नमक डाल के उसको नमक डालने के मतलब फटाफट थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से मैं निरामिष सब्जी भी बना रही हूँ, क्योंकि हमको चिकन बनाने से भी नहीं चलता, बस ये निरामिष सब्जी चाहिए होता है। तो ये प्याज ब्राउन होने के बाद उसमें जो काजू और ये का पेस्ट था तो ये भी डाल दिया मैंने, और इसको डाल के थोड़ी देर और पका लेना है। और थोड़ी देर पकने के बाद तो जो मसाला का जो गोल मिला रखा था बना के थोड़ी देर, तो ये सब मिला दिया। ये मिलाने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ग्रेवी बनता है। तो आज मैं चिकन ग्रेवी बना रही हूँ, तो ये बहुत टेस्टी भी बनता है बहुत अच्छी तरह से। और इसके बाद थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। तो टमाटर का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से मिला के लगभग 5 मिनट तक पका लिया हुआ अच्छी तरह से, और थोड़ा सा ड्राई तेल छोड़ने तक मैंने पका लिया। इसके बाद चिकन धो के मैंने थोड़ा सा लेमन जूस मिला के इसको रख दिया था थोड़ी देर, तो अभी इसके साथ ऐड कर दिया। और इसके बाद मैंने उसमें नमक डाल दिया, नमक डाल के थोड़ी देर मिला के फिर 10 मिनट के लिए मैंने ढक कर रख दिया था। बीच में एक बार पलटा दिया मतलब मिला दिया था, और इसके बाद ये 10 मिनट के बाद ऐसे हुआ। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा ऐसे बना के अब बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बना है चिकन ग्रेवी। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का बना हुआ है। तो ये इसके बाद मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया। गर्म पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसे ही रख सकते हो, अगर थोड़ा तरी चाहिए तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हो। गर्म पानी से मतलब टेस्ट बरकरार रहता है, नहीं तो उसका टेस्ट और ये कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब टेस्ट ख़राब हो जाती है। तो इसे देखो तैयार हो गया है चिकन। और इसके लास्ट में मैं इसमें कसूरी मेथी हाथ में मसल के डाल रही हूँ उसमें, और इसके बाद थोड़ा सा मिला के इसको ढक के और थोड़ी देर पका लिया है। और फिर आ गया है चिकन रेडी। तो अब हम लंच का भी काम ख़त्म कर रहे हैं। काज हमारा इस मंथली ग्रोसरी आ गया, फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी तो आ गया, रात को ही आया है। ये क्या चीज़ दी? ओह जगरी, ये जगरी पाउडर मतलब गुड़ पाउडर है, और ये काजू है, और ये डेटल है, तो ये सब है नूडल, ये बासमती चावल यहाँ पर, आटा नहीं है यहाँ पर, और ये बादाम, ये बिस्किट का पैकेट। तो इसलिए मैं मंगवाती हूँ क्योंकि एक साथ इकट्ठा मंगवाने से उसमें थोड़ा सा लाभ मिलता है, कि थोड़ा सा होने से भी कम है। मैं इतना सारा सामान मंगवाई हूँ, और ये भी सब में, तो इतनी सारे सामान में से मेरे को 1650 रुपये मतलब ये मिला, डिस्काउंट मिला इतना सारा सामान में से। मतलब ऐसे डायरेक्ट अगर इससे लेने जाओ तो दुकान से तो उतना देना पड़ेगा, तो मुझे इतना तो लाभ मिला है। ये किशमिश है, और ये नया इस बार ये से मंगवाई हूँ फ्लिपकार्ट से,
हर्षी सिरप। शुगर फ्री मंगवाई थी, देखो शुगर फ्री कितना बड़ा आया, मैंने सोचा ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, देखो कितना छोटा सा आया है। मूंग की दाल, ये गुटा मूंग, ये अरहर दाल, और ये से कैंटीन से मंगवाई थी मैं, ये हॉर्लिक्स और ये हार्पिक और बॉर्नविटा, बस उतना ही है इस पर ग्रोसरी। और ये बासमती चावल कभी कभी चाहिए होता है, लेकिन रेगुलर नहीं खाते हैं हम, इतना धनी नहीं है, रेगुलर बासमती खाए ही है। कभी कभी बिरयानी बिरयानी चाहिए होता है, और कभी स्पेशल मोमेंट में तो बासमती चावल चाहिए होता है। और इस बार मैंने मंगवाई हूँ ये टाटा गोल्ड टी, और ये टमाटो सॉस मैगी। तो चलो इतना ही है ग्रोसरी आइटम। तो डिनर में अचानक से थोड़ा सा दूसरा बनाने का मन कर रहा था, तो और हस्बैंड को भी मतलब बहुत दिन से बोल रहे थे थोड़ा सा ये खाने के लिए फिटा, तो मैं पट्टी छपटा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पहले पूर बना कर रख दिया, ये नारियल और जगरी पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिला के उसको बना लिया, उसमें तेल रख दिया है, और ये मिक्सचर बना लिया, इसमें थोड़ा सा सूजी है, मैदा थोड़ा सा है, और आटा और थोड़ा सा चीनी है। तो इसमें गोल बना के रख दिया है पतला सा, और अभी कढ़ाई में मतलब तवा में थोड़ा सा तेल ब्रश कर लिया है, और अभी ये जो पेस्ट है उसको अच्छी तरह से फैला रही हूँ मैं। तो ये बहुत सरल है, ये तो सबको ही आता ही है, और उनका बहुत मन कर रहा था तो मैं अचानक से ये बना लिया मैंने। और सब सामान घर में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फटाफट से सब बना लिया है। तो इसको अच्छी तरह से पूर्व रखे, और साइड में ऐसे दोनों साइड में दबाने से बस गरम गरम थोड़ा सा हाथ में गरम लगता है, तो उसको से रखे तो बना लिया है, सब हो गए एक साथ में। तो गाइस मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख देना प्लीज़। और आज के लिए वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। ओके बाय।